अस्सलामुअलैकुम। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कर्ल। तो हमें पता होना चाहिए कि कर्ल क्या होता है। हम लेट करते हैं एक वेक्टर वी है जो कि डिफाइन कर एक्स वाई जेड फील्ड को। वो क्या है, एक वेक्टर है वी वन आई प्लस वी टू जे प्लस वी थ्री के। अब हमने कर्ल लेने, कर्ल क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यानी जब आप डेल का या नेबला का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं उस वेक्टर के साथ, तो वो क्या होता है, कर्ल होता है। सिंपल सी कर्ल की डेफिनेशन है, आपको एक वेक्टर गिवन होगा और इसका आंसर भी वेक्टर में ही आता है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड करते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल उसमें हमें समझ आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस, एक हमें वेक्टर दिया हुआ है, तो आपने फाइंड क्या करना है, कर्ल। आप उस जगह कर्ल ऑफ ए भी कह सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट्स मीन वो कर्ल है। और आपको साथ में एक पॉइंट दे दिए कि इस पॉइंट पे आपने फाइंड करना है। अब हमें पता है फाइंड किस तरीके से किया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट को, जो हमारे पास क्या है, आई जे के। अब जो डेल होता है पहले उसके हम लिखेंगे और फिर जो ए के हमारे पास नंबर्स होंगे फिर हम वो लिखेंगे। तो डेल का क्या होता है, पार्शल अपॉन पार्शल एक्स। यहाँ पे आई वाले, यहाँ पे जे वाले और यहाँ पर के वाले। तो आई के साथ कौन होता है, पार्शल अपॉन पार्शल एक्स, और यहाँ पे आई वाली टर्म के साथ कौन है, एक्स सेट क्यूब। फिर जे लिखा, जे के नीचे वाई वाले लिखेंगे, पार्शल अपॉन पार्शल वाई, और इसमें जे वाली टर्म के साथ जो लिखा है वो लिखा। सिमिलरली के साथ जेड होते हैं और यहाँ पे के वाली टर्म के साथ है वो लिख दिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व किस तरीके से करते हैं, आप लोगों को याद होगा कि आई आया ये वाला, इस सॉरी ये रॉ और ये कॉलम छोड़ा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, माइनस के साइन के साथ ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। हमने उसी तरीके से मल्टीप्लाई करवाया। फिर पहली टर्म लेते हैं जैसे आई, फिर जो उसके साथ आता है वो लिखते हैं, माइनस यहाँ पे एक नंबर और यहाँ पर, ठीक है। फिर आता है माइनस जे, फिर सेम काम, फिर प्लस के, फिर सेम काम। तो अगर आप यूँ देखें तो हमने माइनस जे लिखा, अब ये वाली रॉ और ये वाला कॉलम हम छोड़ देंगे, ठीक है, ये रॉ और ये कॉलम जाएगा, तो ये एक्स वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस के साइन के साथ ये वाली टर्म इसके साथ। ये याद रखिएगा, पहले यूँ होता है फिर यूँ होता है। जब आप यूँ और यूँ करते हैं तो आपको और तो नहीं इतना इशू होता, माइनस और प्लस के साइन में फिर क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे आंसर में फिर फ़र्क आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली प्लस हमने के लिखा, अब ये वाले कॉलम और ये वाली रॉ छोड़ेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखें आप यहाँ पे हमने वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, यानी डिफ्रेंशिएट करवाना है। तो अगर आप देखें वाई का वन होता है टू जेड फोर प्लस उनके माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट से करवाना है, जेड का भी क्या होता है वन होता है, और आई अपनी जगह पे। माइनस हमने लिखा एक्स के रिस्पेक्ट से करवाना है, एक्स मौजूद नहीं है, जीरो हुआ, माइनस इसका क्या हो जाएगा जेड के रिस्पेक्ट से, थ्री एक्स जेड स्क्वायर जे प्लस। अब के इसको हमने एक्स के रिस्पेक्ट से करवाना है, तो टू टू ज़ा फोर माइनस फोर एक्स वाई जेड, और यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट से करवाना है तो क्या हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। अब हमें पॉइंट क्या दिए हुए, वन माइनस वन एंड वन। जब हम एक्स वाई जेड की जगह पे पॉइंट्स पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थ्री जे प्लस फोर के। देखिए हमें एक वेक्टर गिवन था और हमारा आंसर भी किसमें आया, वेक्टर में। तो कर्ल की डेफिनेशन ये होती है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है उस वेक्टर का डेल या नेबला के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस फाइंड कर्ल कर्ल ऑफ ए, ठीक है। आपको डबल कर्ल फाइंड करना है, हम इसको यूज लिख सकते हैं नेबला क्रॉस प्रोडक्ट, फिर नेबला क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए, यानी कर्ल फाइंड करना है कर्ल ऑफ ए। तो पहले हम कर्ल ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, आई जे के, पार्शल अपॉन पार्शल एक्स, पार्शल अपॉन पार्शल वाई, पार्शल अपॉन पार्शल जेड। अब हमें आई वाली टर्म में जो दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर वाई, और जो जे वाली टर्म में है वो क्या है, माइनस टू एक्स जेड, और वाई वाली टर्म में क्या है, टू वाई जेड। अब हमें पता है हम ये रॉ और ये कॉलम ले लेंगे, आई को बाहर लिखा, ये वाई के रिस्पेक्ट से होगा तो क्या आ जाएगा, टू जेड, फिर माइनस, और ये जेड के रिस्पेक्ट से होगा तो माइनस टू एक्स, फिर माइनस जे, ये और ये कॉलम छोड़ देंगे तो यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट से होगा, कोई एक्स की टर्म नहीं है, ज़ीरो, और ये जेड के रिस्पेक्ट से होगा तब भी क्या हो गया, ज़ीरो। प्लस के लिया हमने, ठीक है, अब इसको हमने एक्स के रिस्पेक्ट से करवाना है, तो माइनस टू जेड, फिर माइनस का साइन आया, इसको हमने वाई के रिस्पेक्ट से करवाना है तो वाई का डेरिवेटिव वन हो गया। अब हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस टू एक्स प्लस टू जेड आई प्लस ज़ीरो हो गई ये टर्म, ज़ीरो माइनस ज़ीरो, और जे ज़ीरो हो गया यहाँ पर,
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू जेड के। अब हमने दोबारा कर्ल का क्या लेना है, कर्ल ही लेना है कर्ल ऑफ ए के साथ। तो हम दो अगेन लिखेंगे आई जे के पार्शल अपॉन पार्शल एक्स पार्शल अपॉन पार्शल वाई पार्शल अपॉन पार्शल जेड। अब जो हमारा आई के साथ जो टर्म थी वो लिखा, जे के साथ कोई टर्म नहीं है दैट्स मीन जीरो, के के साथ ये टर्म थी ये लिखी। अब हमने आई लिया, ये रॉ और ये कॉलम छोड़ा, वाई के रिस्पेक्ट से जीरो और ये तो है ही जीरो, जीरो का जीरो ही होता है। माइनस जे लिया, ये और ये छोड़ेंगे, एक्स रिस्पेक्ट से लेंगे तो क्या होगा माइनस टू एक्स और यहाँ पे एक्स नहीं है तो जीरो। फिर फॉर्मूले का माइनस आया और यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट से पहले टर्म में भी कुछ नहीं है दूसरे में भी कुछ नहीं है, सॉरी ये नहीं, ये जेड के रिस्पेक्ट से लेंगे यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे टू आ जाएगा। फिर प्लस के, ये और एक्स जीरो हो गया, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट से कुछ भी नहीं है तो जीरो हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस टू एक्स और माइनस टू जे, ये भी क्या हो गया जीरो, इसको माइनस दे दिया तो टू एक्स प्लस टू इंटू जे, हमारे पास ये आ गया कर्ल का कर्ल ऑफ ए। तो कर्ल के इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट लेना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं कर्ल ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस के मिक्स हैं, वो मैं आपको थोड़े बहुत करवा देती हूँ ताकि तीनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था ग्रेडियंट, तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट क्या होता है, यानी ग्रेडियंट की पहचान क्या थी कि सिंपल आपके पास लिखा हुआ होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट होते ना ही डॉट प्रोडक्ट। फिर हमने पढ़ा डाइवर्जेंस, वो हमें पता था क्या था कि इन दोनों के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट आता है। आपको वेक्टर फाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे फाई स्केलर है और यहाँ पे फाई क्या है वेक्टर, एक वेक्टर दिया हुआ, इसका नाम आप फाई रखें ए रखें जेड रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर हम करते हैं कर्ल, अभी हम फाई कंसीडर करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कर्ल में क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फाई, यहाँ पे भी फाई क्या है एक वेक्टर है, ठीक है। और स्केलर और ग्रेडियंट डाइवर्जेंस में आंसर में क्या डिफरेंस है, ग्रेडियंट का हम स्केलर फील्ड दी हुई होती है हम उसको वेक्टर में ले जाते हैं, डाइवर्जेंस में वेक्टर दिया हुआ होता है हम उसको स्केलर बना लेते हैं। बट कर्ल में क्या आता है वेक्टर गिवन होता है और आंसर भी वेक्टर फील्ड में ही आता है, ठीक है। तब हम कुछ क्वेश्चन मिक्स हैं वो करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए ग्रेडियंट डाइवर्जेंस। ओके, अब हमें जो क्वेश्चन दिया है वो हमें क्या कह रहे हैं, ए आपके पास एक ए आपको वेक्टर दिया हुआ, एक आपको बी वेक्टर दिया हुआ और एक फाई आपको स्केलर फील्ड दी हुई, ठीक है। अब आपको ए पार्ट में कह रहे हैं कि आपने ए डॉट फाई ए डॉट नेबला या डेल फाइंड करने है किसके साथ, फिर उसके फाई के साथ, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है डाइवर्जेंस और फिर हमारे पास क्या है ग्रेडियंट, ठीक है। लेकिन अब आप अगर देखें तो यहाँ पे पहले नेबला नहीं है, पहले यहाँ पर हमें वेक्टर ए है, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल के साथ, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका आपने क्या लेना है ग्रेडियंट लेना है किसके साथ फाई के साथ। तो पहले ए लिखा हमने डॉट डाला, फिर हमने क्या लिखा नेबला लिखा और फाई को अभी हमने फाई ही लिखा है, तो पहले हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। देखिए आई डॉट आई तो वन हो जाएगा, लेकिन ये इससे पहले है इससे बाद नहीं, दैट्स मीन इसका हमने डेरिवेटिव नहीं लिया ना, ये डेरिवेटिव के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले टू वाई जेड आएगा, फिर पार्शल अपॉन पार्शल एक्स आएगा, माइनस ये टर्म आई जे डॉट जे वन हुआ, फिर पार्शल अपॉन पार्शल वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर के डॉट के वन हुआ, फिर पार्शल अपॉन पार्शल जेड, और फाइव भी हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने उसकी वैल्यू लिख दी। अब देखें अब ये सिंपल इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, जब इसके साथ होगा तो हम एक्स के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करवाएंगे, इसके साथ होगा तो वाई के रिस्पेक्ट से, इसके साथ होगा तो जेड के रिस्पेक्ट से, टू वाई जेड अपनी जगह पर हमने लिख दिया। अगर अब आप देखें इसका इसको आपने डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करवाना एक्स के रिस्पेक्ट से, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा टू एक्स, तो ऑलरेडी टू था तो टू टू ज़ा फोर एक्स, वाई जेड क्यूब इसी तरीके से रहे, माइनस ये टर्म अपनी जगह पर है, फिर आपने इसको y के रिस्पेक्ट से करवाया तो y का 1 होगा 2x स्क्वायर z क्यूब प्लस, फिर आपने इसको किसके रिस्पेक्ट से करवाया z के रिस्पेक्ट से, तो क्या आएगा 3 टू जेड सिक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है 8x y स्क्वायर z 4 माइनस 2x 4 y z 4 प्लस 6x क्यूब y z 4। और एक हिंट ये होती है कि अगर आप a डॉट फाई सॉरी नेबला और फिर इसको फाई के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, या पहले यूं भी करवा सकते हैं, लाइक फाई सॉरी नेबला डॉट ए फिर आप उसको किसके साथ करवाएं फाई के साथ,
इसका आंसर ऑलवेज बी इक्वल क्यों आएगा? ये ए पार्ट ये था और इसका बी पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है ही ये, क्या प्रूव करें कि ये भी इक्वल आएगा? सॉरी, ये यूँ नहीं होगा, ये हमारे पास प्रॉपर्टी भी है ओके सो हमें इसके बी पार्ट में क्या कह रहे हैं कि आप ए का जो डॉट प्रोडक्ट है यानी आप डाइवर्जेंस मालूम करें किसके साथ, ग्रेडियंट ऑफ फाई के साथ। तो ए हमने एज इट इज लिखा, डॉट प्रोडक्ट लिखना है, नेबला की जगह पर हमने ये नेबला की वैल्यू लिखी और फाई हमें क्वेश्चन में गिवन था हमने वो लिखा। अब ए एज इट इज है क्योंकि पहले हमने ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड करना है। ये किस से मल्टीप्लाई होगा? इससे भी होगा और इससे भी, इससे एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करवाएंगे तो टू टू ज़ा फोर एक्स वाई जेड क्यूब आई प्लस फिर करेंगे वाई के रिस्पेक्ट से तो वाई का वन हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर जेड क्यूब जे फिर प्लस जब जेड के रिस्पेक्ट से करेंगे तो थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई से मुराद ये दोनों देखें क्या हो रहे हैं, इनके दरमियान में डॉट प्रोडक्ट है। तो आई वाली टर्म आई वाले से होगी, जे वाली टर्म जे वाली से होगी और के वाली टर्म के वाली से होगी। तो हम इसको आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन और यहाँ पर के भी है सॉरी। सो जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे अब ये इससे होगा ये इससे और इससे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन की आंसर वही आया। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ए डॉट नेबला फिर हमने उसको फाई के साथ किया था और इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले हमने ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड किया फिर उसका डाइवर्जेंस लिया। तो इन दोनों का आंसर हमारे पास इक्वल आया और ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी है कि आप दोनों को सॉल्व करें आंसर क्या आता है, इक्वल आता है ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर हमने ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्व पढ़ा था ओके। सो थैंक यू सो मच, अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।